जिएंगे टीएसएम के डोमिनेशन को। डेफिनेटली, लेकिन क्लच गॉड, इनफैक्ट गॉडलाइक ने यहाँ पर शुरुआत करी थी। सबसे पहला पिक जो आया था थोड़ा सा जल्दी जरूर इस गेम में हमें देखने को मिला, लेकिन उन सब चीजों के बाद की जो फाइट्स आप देखी यहाँ पर स्काईलाइट का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। एक प्लेयर पिक हो गए, कमला वो एकदम से यूटर्न मारा, लेकिन यहाँ पर ओआर के जो प्लेयर आ गए, मैं बोलूंगा वो अकेले आए जरूर, लेकिन उनका जो बैकअप आया, चाहे लेट आया, लेकिन उस बैकअप ने कहीं ना कहीं पूरा गेम बदल करके अपनी टीम को ला करके नहीं दिया। आप देखें कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ओआर के प्लेयर्स ने फाइट निकाली। हालांकि पुकार वो अकेले बचे रहे टॉप फाइव में, अपने आप को ले गए। बिल्कुल, वहां पर तारीफ करनी पड़ेगी पुकार की, फिनिश भी उन्होंने एक निकाला था। एंड इतने अर्ली स्टेज पे अपने प्लेयर्स को खोने के बाद अगर आप टॉप फाइव तक पहुंचते हैं तो साफ साफ दर्शाता है कि कितना बढ़िया जो आईजेलिंग वगैरह वो चल रहा है, जो जोन प्रेडिक्शन है वो कितना अच्छा है, कौन सी फाइट आपने अवॉइड करी और कैसे कैसे आप पहुंचे। तो पोजिशन पॉइंट जरूर से जाएंगे टीम स्काईलाइट गेमिंग के पास। टीम ओल्डहुड की अगर हम बात करें, एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन उनकी साइड से हमें देखने को मिला। टीम यूडॉग काफी देर से शांत है इस मैच में, गर्जे भी और बरसे भी, एनिग्मा को उन्होंने वहां पर एलिमिनेट किया। और फियरलेस की वो जो पोजिशन थी जो वो स्पॉट नहीं कर पाए थे, कनेक्ट हुआ नहीं तो उनको लगा कि शायद उस पर्टिकुलर एरिया में कोई प्लेयर मौजूद नहीं है, बट फियरलेस फिर वहां पर आए। एंड ओल्डहुड के जो खिलाड़ी है उन्होंने वो आखिरी फिनिश निकाला टीम एनिग्मा के ऊपर, व्हीकल से वहां पर उन्होंने उस प्लेयर को फिनिश ऑफ किया। सुल्तान इतनी आसानी से इन्होंने यहाँ पर फिनिश सिक्योर किया, पीछे वो गए और वहां पर हालांकि मिस्टिक ऑलरेडी यू नो तुरंत ही वो रिवाइव हुए थे वहां पे, तो काफी ज्यादा लो ऑन एचपी थे, बट गॉड लाइक काफी ज्यादा उन्होंने कोशिश की यहाँ पे फिनिशेस निकाले भी काफी अच्छे। बट अगेन विनर विनर चिकन डिनर एंड टीम गॉड लाइक, ये जो यू नो एक रिश्ता नहीं बन पा रहा है अभी तक, देखते हैं कि वो कब तक बनता हुआ नजर आएगा। गॉडलाइक ने पिछले गेम में भी टैक्टिकल को ग्रेनेड्स और थ्रोएबल्स के साथ ही टेक डाउन करने की कोशिश करी, इस गेम में भी सेम। गॉडलाइक वर्सेस टैक्टिकल अगर हो रहा है तो हमें पता है थ्रोएबल फाइट तो होगी ही होगी। यहाँ पर टीम एक्सपाक ने हमने देखा ओआर के प्लेयर्स को पिक जरूर किया। आर ई स्पोर्ट्स के रॉकस्टार आप देखिए रेकनिंग की पूरी स्क्वाड को उन्होंने जब फिनिश ऑफ किया तो उसमें हाथ था ग्रेनेड्स का, थ्रोएबल्स का काफी अच्छा। जोनाथन नियो इनफैक्ट यहाँ से प्लेयर्स को पिक करे, बट जब वो आए उनको लगा कि सर्कल में उनकी अच्छी पोजीशन हो सकती है, वही सबसे लोएस्ट पोजीशन थी जिसके कारण प्लेयर्स को टेक डाउन किया गया। बिल्कुल, वहां पर मुश्किलें जरूर से हुई टीम हैदराबाद हाइड्रास, एक बढ़िया मैं कहूंगा कि इनकी साइड से भी हमें रोटेशन देखने को मिला। वेस्टर्न एरियाज पे थे, फिर उन्होंने देखा कि अच्छा जब जोन ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो हाइट वाले एरियाज पे, तो पीछे की तरफ से पूरा वो घूम करके गए, एक अच्छा एरिया उन्होंने एक्वायर किया। लेकिन वहां पर ऑलरेडी टीएसएम के जो प्लेयर्स थे उनके पास काफी अच्छा हाइट का एडवांटेज हमें देखने को मिला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उस चीज को अपने फेवर में भी लिया। आप देखिए शैडो की बात करें, एक्वानॉक्स की बात करें, बिल्कुल स्प्रेड होकर के खेल रहे थे, स्प्लिट होकर के खेल रहे थे और सारे एंगल्स जो है वो कवर करने की कोशिश थी। वहां पर उन्होंने अलाउ ही नहीं किया किसी और टीम में किसी और प्लेयर को कि वो जो हाइट का एडवांटेज है वो किसी भी तरफ से फ्लैंक मार के कोई टीम ऊपर आ पाए। सेंसे अपनी टीम को वो टॉप फोर में लेकर के आए, चौथे पायदान पे हमें टीम एक्सो का एलिमिनेशन देखने को मिला। पांच फिनिशेस टोटल उस टीम ने निकाले थे, बट अगेन टीम गॉड लाइक कुछ खास उनके पास था नहीं करने को। नियो उनको ही पता था कि फिनिश ओपोनेंट को देने से अच्छा है कि यू नो वो जो ब्लू जोन है उसी को वो फिनिश दिया जाए और उसी के हत्थे वो चढ़े। ऑस्टिन गॉड की बात करें, वो आखिरी खिलाड़ी मौजूद थे, कहां वो देखे आप।